Hello students, let's continue from where we left last time. So in this part, the first question is, which statement is incorrect for SO2? First is it is colorless, second says it is suffocating, getting smell, third says its melting point is 7.5 degrees Celsius. Yes, its melting point is 7.5 degrees Celsius, and fourth statement says that it's poisonous below 2 ppm. So this is not correct. Rest everything is correct about sulfur dioxide gas. So this is fact based. You should know it. Then peroxydisulfuric acid is, this is H2S2O8, jisme peroxide linkage hoti hai sulfur ki. Har sulfur ke total 6 bonds hote hain. दो डबल बॉन्ड ओ और एक एक ओ एच इसके पास है, तो इस परोक्साइड लिंकेज की वजह से दिस इज कॉल्ड परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. देन एज विच ऑफ दीज कंपाउंड्स डज नॉट हैव सल्फर सल्फर बॉन्ड. सो योर ऑप्शंस आर H2S2O3, H2S2O5, H2S2O4 एंड S3O9. अब इन सब में से सबके पास SS बॉन्ड है एक्सेप्ट S3O9. ये सारे ऑक्सो एसिड हैं और ऑक्सो एसिड में जितने भी सल्फर हैं सब में SS लिंकेज आपको मिल जाएगी. आपको फंडा वही फॉलो करना है, इसमें दो डबल बॉन्ड O लगाने हैं और एक OH लगाना है. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज हैव मैक्सिमम pKa वैल्यू. अब मैक्सिमम pKa वैल्यू उसकी होती है जो कि लीस्ट एसिडिक होगा, और लीस्ट एसिडिक कौन होगा, जिसके एटम्स आपस में सिमिलर साइज के होंगे. तो वाटर इज लीस्ट एसिडिक इन नेचर, इट हैज मैक्सिमम pKa वैल्यू. नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स इन एल्किलीन मीडियम टू प्रोड्यूस. सो सल्फर डाइऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करता है एल्किलीन मीडियम में, क्या प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है. ऑप्शंस आर Na2SO3, Na2S, Na2HSO4 या NaHSO3. सो द करेक्ट आंसर इज Na2SO3. देन इज विच इज करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिटी. कौन ज्यादा एसिडिक है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एलिमेंट का उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा. तो यहाँ पर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो दिस इज +1, +3, +5 एंड +7. सो द करेक्ट ऑर्डर वुड बी ए, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज द एसिडिक करेक्टर. सो नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. तो रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा हो सकती है जिस जो अपना हाइड्रोजन इजीली दे देते हैं रिडक्शन के लिए. सो कौन इनमें से हाइड्रोजन, हैलाइड्स में से हाइड्रोजन अपना देगा, जिनका डिसिमिलर साइज होगा वो इजीली अपना हाइड्रोजन दे देगा और किसी को रिड्यूस कर देगा. सो सबसे ज्यादा डिसिमिलैरिटी है HI में, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF. सो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. Then is which is the correct order of bond dissociation enthalpy. तो इसमें एक exception आपको देखने को मिलती है. Generally क्या होता है, जितनी ज्यादा bond length होती है उतना easy होता है उसका bond dissociate हो पाना. तो लेकिन fluorine जिसका size कुछ exceptionally small होने की वजह से और उसके side में 3 लोन पेयर्स होने की वजह से उनके बीच काफी रिपल्शन हो जाती है और ये जो एफ एफ बॉन्ड है ये काफी वीक हो जाता है और इजीली डिसोसिएट हो जाता है. तो सबसे ज्यादा डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की हो जाती है रादर देन फ्लोरीन. सो द ऑर्डर इज फैक्ट बेस्ड. द मैग्नीट्यूड जो उसका रहता है, सबसे इजीली आयोडीन ब्रेक होगा, फिर फ्लोरीन आएगा बिकॉज ऑफ द रीजन, फिर ब्रोमीन, और सबसे हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी क्लोरीन की. So A is the correct option. Then is the high oxidizing power of fluorine is due to option. First is high bond dissociation enthalpy. Second is low bond dissociation enthalpy. Third is high heat of hydration.
and fourth is B and C. तो यस ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी सेकेंड और थर्ड दोनों रीजंस की वजह से है. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया इसकी लो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस एंड स्मॉल साइज की वजह से इट गेट्स हाईली हाइड्रेटेड. दैट इज द रीजन फॉर इट्स हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Then which interhalogen compound does not exist? अब interhalogen compounds में आपके पास जो एक halogen है बड़ा वाला that will carry the positive charge और छोटा वाला halogen carries the negative charge जिसकी वजह से इनमें polarity भी आती है और वो reactive भी होते हैं. लेकिन size पे भी depend करता है कि कौन कितने halogens को accommodate कर सकता है. So iodine जो है वो 1, 3, 5, 7 हाइलोजेंस लगा सकता है. सो आयोडीन 5 भी लगा सकता है, 1 भी लगा सकता है, 3 भी. ब्रोमीन का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होने की वजह से वो 5 ही लगा पाता है. लेकिन जो ब्रोमीन है वो 7 नहीं लगा पाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन BrF7. एंड दिस टेल्स अस दैट जो ब्रोमीन है वो टोटल आपके 5 मैक्सिमम लगा सकता है लेकिन 7 सिर्फ आयोडीन लगा पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स क्वाइट बिग साइज. सो डी इज द करेक्ट आंसर. देन व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड. SF4 सी सॉ शेप होती है SF4 की. सल्फर सेंट्रल एटम है और फ्लोरीन इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं. सल्फर सेंटर में रहता है. ट्राइगनल बायपिरामिडल PCl5 का स्ट्रक्चर. यहाँ फॉस्फरस और कॉर्नर्स पे क्लोरीन. BrF5 ट्राइगनल बायपिरामिडल. नो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज उसके पास एक लोन पेयर भी है जिसकी वजह से वो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है. एंड ClF3 इज टी शेप with 2 lone pair and 3 bonds. So C is the correct answer. This is not correctly matched because it follows square pyramidal geometry. Next is which is not correctly matched. Fluorine low bond dissociation enthalpy bilkul hoti hai. Iodine weakest oxidizing agent, very correct. Bromine exists in liquid states, yes, brownish liquid hota hai. Chlorine best oxidizing agent, no, this is not the best oxidizing agent because fluorine best oxidizing agent hota hai. So D is the correct answer. Then as seaweeds are important source of, well, seaweeds mein present hota hai iodine. The mixture of HCl and HNO3 in the ratio 3:1. This is called aquaregia. और ये noble metals जैसे कि gold, silver, platinum वगैरह को dissolve करने के लिए use होता है. Then when chlorine gas reacts with cold and dilute aqueous NaOH, the products obtained are. ये आपको ऑप्शंस में से चूज करना है क्या ऑब्टेन होता है जब क्लोरीन गैस को आप NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो. सो ऑप्शंस आर ClO नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड ClO नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव एंड ClO2 नेगेटिव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी व्हिच इज Cl नेगेटिव एंड ClO नेगेटिव. Next question है, which among these is more reactive? Chlorine, bromine, ICl or iodine? So ICl being interhalogen and carrying positive and negative charge, this positive and negative charge makes them polar and they become more reactive than halogens because halogens are non-polar in nature. So C is the correct answer. Then is HF exist as liquid because of? So because of hydrogen bonding, जो कि stronger है बाकी सब bond से, HF exists as liquid. So answer is C, hydrogen bond. Then is F2 on hydrolysis give, जब आप hydrolysis carry out करते हो, पानी add करते हो आप fluorine में, तो जो products आपको मिलती हैं, वो हैं HF and O2. So A is the correct answer.
Then next is SF6 is chemically inert because of, so SF6 mein aap structure mein dekhoge that sulfur is surrounded by fluorine from all the sides, jiski wajah se koi bhi element ya koi bhi compound isko easily approach nahi kar sakta, wo react nahi kar paata hai, isiliye wo chemically inert hota hai. So this surrounding of fluorine atoms, this is given the term steric protection, that protects the sulfur from getting reacted to any compound. So B is the correct option. Then which is not a poisonous gas? So isme first option hai phosgene, second is mustard gas, third is nitrogen gas, and fourth is phosphine. So C, nitrogen gas is not poisonous. Ye inert gas hoti hai jo ki in fact chips ke packet mein bhi inflate ki jati hai taki wo oxidize na ho, rancid na ho. Next is noble gases exhibits. So what do they exhibit? They exhibit low chemical reactivity. वो किसी के साथ react करना पसंद नहीं करते क्योंकि noble gases में fully filled orbitals होती हैं. उनके s में 2 electrons और p में 6 electrons होते हैं जिसकी वजह से वो fully filled हैं. उनको कोई deficiency नहीं है electrons की. उनको उनके पास extra electrons भी नहीं हैं तो वो किसी के साथ react करना पसंद नहीं करते. So B is the correct answer. Then is which of these is used to prepare noble gas? In mein se kis ko use kiya jata hai noble gas ki preparation mein? First is uranium, second is radium, third is thorium, and fourth is actinium. So radon ko synthesize karne ke liye use kiya jata hai radium ko. So B is the correct answer. Next is which represents general electronic configuration of noble gas. तो जैसे मैंने आपको बताया N S में 2 और P में 6 जिसकी वजह से noble gas fully filled हो जाती है तो इसीलिए A option is the correct answer for this. Next question है the forces acting in noble gas atoms are what kind of forces? जब वो fully filled हैं कोई और interactions उनमें develop नहीं हो पाती हैं. Weakest van der Waals forces exist between these atoms. So A is the correct answer. Next is which among these exhibits lowest boiling point? So helium ka size sabse chota hai. Inke jise humne padha ki koi aur forces exist nahi karti hain, to jo inka size hai, jitna size hoga, jitna surface area hoga, us pe van der Waals forces act karengi. Aur sabse chota size helium ka hota hai, isliye lowest boiling point jo hai wo helium ka hoga. To A is the correct answer. So इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको जो भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं.